वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को माओवादी कांग्रेस पार्टी करार दिया है। पात्रा ने कहा, माओवादियों के पक्ष में कांग्रेस जिस तरह से खड़ी है उससे देश की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। भ्रम और षड्यंत्र कांग्रेस के पर्याय हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप देखिए, जहां तक माओइज्म, जहां तक नक्सलवाद का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कोई आज ही नहीं, जब से कांग्रेस सत्ता में रही है तब से नक्सलिज्म को और माओइज्म को लेकर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र किस प्रकार का रहा है। आधे इधर खड़े हो जाओ, आधे उधर खड़े हो जाओ, और जो बचे हैं वो हमारे पीछे चले आओ, इस प्रकार की नीति कांग्रेस पार्टी में रही है।